राजू सिंह हियर, और आज हम लोग यहाँ पे सब मिलके पंचमदा के बारे में बात करने हैं। एंड पंचमदास रोमांस विद गिटार्स, ये नाम इसलिए हमने दिया है क्योंकि पंचमदा के गानों की गिटार, सिर्फ गिटार पीस बजाओ और हम सब रिकग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सा गाना है। एंड इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम आज यहाँ पे हैं विद चैतन्य जी ऑल्सो। चैतन्य जी पाडुकोन, इनके बारे में बताऊंगा तो बेसिकली 3 से 4 डेकेड से आप जर्नलिज्म में हैं। आपने जर्नलिज्म पूरा कोर्स करके उसके बाद में एक प्रॉपर वे में जर्नलिज्म में आए हैं। एंड इनको अभी 2012 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड से सहारा गया था कि इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में उनको ये अवार्ड दिया गया था। वाई राजू सिंह एंड वाई चैतन्य पाडुकोन टू स्पीक अबाउट पंचमदा, एक रीज़न था कि वी टू हैव बीन रियली रियली लकी पीपल दैट हमें एक ही रूम में पंचमदा के साथ में सांस लेने का मौका मिला है। एंड दैट टू, ऐसा नहीं कि एक मौका था, आई हैव प्लेड विद हिम फॉर 7-8 ईयर्स गिटार्स, प्लस मेरे डैड उनके साथ में गिटार बजाते थे तो बचपन से मैं उनको मिलते आया हूँ। हम उनके घर गए, वो हमारे घर पर पार्टीज के लिए आते थे, ये सब। तो डैड दे बीन फ्रेंड्स, दे क्रिएटेड सच ग्रेट म्यूजिक टुगेदर, और उसके बाद 7-8 साल उनके साथ बजाने का मुझे मौका मिला। एंड चैतन्य जी एज इन हिज जर्नलिज्म हैज़, आई थिंक चैतन्य जी आप बताएंगे इसके बारे में कि आपके एक्सपीरियंसेस। सो वी जस्ट वॉन्ट टू शेयर के हमने पर्सनली टाइम स्पेंड किया हुआ है पंचमदा के साथ में, तो वी जस्ट थॉट वी शुड स्पीक अबाउट दीज मोमेंट्स एंड शेयर दिस विद एवरीबडी। Chetan ji, thank you Raju, yeah. It's an honor and pleasure to be part of your music video, you know, romancing with, you know, guitars with, you know, involving Panchams guitars. ye meri khush naseebi hai ki main R.D. Barman Panchamda ke saath 1983 Sanam Teri Kasam se meri shuruaat hui thi, and right up to 1942 Love Story 1993 December tak 10 saal mera unke saath कॉन्टैक्ट था, इंटरेक्शन था, बार बार हम मिलते थे रिकॉर्डिंग्स में, पार्टीज में, प्रीमियर में। और एक और, यू नो, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि पंचमदा मुझे, मेरे साथ इतने अपनापन से पेश आते थे लाइक अ यंगर ब्रदर, और उनका जो एक ह्यूमर का एक अंदाजा है वो हम अलग से बात करेंगे। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि पंचमदा की एक खासियत थी कि ही वॉज बेसिकली अ वेरी शार्प म्यूजिक डायरेक्टर, कि वो हमेशा सतर्क रहते थे कि कुछ अलग आवाज हो, और इंस्ट्रूमेंट में भी, चाहे वो मादल हो या डुग्गी हो, चंदा हो, तो और स्ट्रिंग्स का खासतौर पे गिटार, शार्प साउंड्स के लिए उनको हमेशा एक पैशन और ऑब्सेशन था। तो आप जब भी देखेंगे उनके शार्प साउंड्स स्ट्रिंग्स नजर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जहाँ पर शुरू में इंट्रो का जो पोर्शन होता है, हुक लाइन जो होती है गिटार पर होती है, और जैसे वो बजना शुरू होता है, एक सिग्नेचर है पंचमदा का, और या तो मैं कहूँगा पंचमदा का ऑटोग्राफ है, तो लोग फौरन उसको पहचान लेते हैं। तो मतलब पूरा मुखड़ा शुरू होने की जरूरत ही नहीं, इतने ढेर सारे गाने हैं, यू नो, लाइक या तो शोले का टाइटल म्यूजिक लो, या चुरा लिया, या दम मारो दम, या ओ मेरे दिल के चैन, बहुत सारे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो एक के बाद आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी जो आपको मतलब सुनकर लगेगा अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो राजू जी आगे आप बताइए अब क्या हो रहा है। जैसे आपने बताया पंचम मीन्स पांचवा सुर, ये हमने सिर्फ एक नोटिस किया, चैतन्य जी ने नोटिस किया कि हमने बात करते करते कि यार नंबर 5 ना पंचमदा के हर कितनी चीजों में नंबर 5 इज कमिंग ऑन, यू नो। सो हमने बोला चलो 5 मिनट की, आई मीन स्निपशॉट हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन एक एक पार्ट करके, एंड सो वी स्टिक टू दैट 5 नंबर, एंड कितनी जगह पे पंचमदा का वो 5 नंबर कनेक्ट हो रहा है, दिस इज जस्ट कोइंसिडेंटल कि ये हो रहा है, बट हमने वी जस्ट टेक इट एज अ थीम। हम लोग बात करेंगे कि हाउ गिटार्स का इम्पोर्टेंस, और हाउ शायद ही 10 में से 8-8.5 गाने ऐसे होंगे जिसमें गिटार है ही है, अगर वो गाने में इंडियन भी है एवरीथिंग, बट द वे गिटार वाज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पंचमदास रोमांस विद गिटार्स, एंड देयर आर
देखो कितने हम लोग कितने अकोस्टिक गिटार, सिक्स स्ट्रिंग गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, 12 स्ट्रिंग गिटार, बेस, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ गिटार्स एंड ऑल दैट, और सबका यूजेज इतने यूनिक फॉर्म में हुआ है पंचम दा के गाने में, गानों में, कि कितने सारे गाने हैं जहाँ पे वो गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को लेकिन वो इंडियनाइज वे में उनके पंचम दा के अपने स्टाइल में वैसे किया हुआ है ना. तो लाइक आई हैव सीन, सी गिटार्स को हर गाने में किसी न किसी फॉर्म में यूज किया गया है. जैसे रिदम गिटार्स, यू नो एक रिदम, मैं आपको समझाता हूँ रिदम गिटार्स का हम लोग को कितना मजा आता था इनके साथ रिदम बजाने का. हम लोग पैटर्न फिक्स कर लेते थे, बानुदा बुपी जी, हम लोग सब लोग, सुनील जी, रमेश जी, दे बीन पायनियर्स एट व्हाट गिटार पीसेस दे प्लेड फॉर पंचमदा. माय डैड यूज्ड टू बी ऑन बेस, टोनी वास जी, डैड ने जब बेस छोड़ के कीबोर्ड पे आ गए तो टोनी वास वाज द पर्सन हु. मैं एक बीच में इंटरप्ट करूं, इनके डैड से मेरी बहुत अच्छी परिचय थी 83, 84, 85 में. मेरी एक और खुशकिस्मती है कि मैं इनके डैड मिस्टर चरणजीत सिंह सर, जो कि जाने माने बहुत ही माइस्ट्रो यू नो म्यूजिशियन है, जो कई कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो कीबोर्ड्स के मास्टर थे, फिर ट्रांजिकॉर्ड बजाते थे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, एंड ही वाज अ कंपोजर ऑफ हिज ओन यू नो मेरिट. तो मैंने उनको देखा है लाइव परफॉर्म करते हुए फिल्म सेंटर में. तो ये इनके पिताजी हैं और राजू जी जो है उनकी पिताजी की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये देखिए कितनी बढ़िया बात है. इससे मुझे याद आता है हम लोग जब पंचम दा के साथ में गॉन फॉर लाइव शोज आल्सो, तो पंचम दा जब इंट्रोड्यूस करते थे ना, तो व्हेन ही टू इंट्रोड्यूस मी, तो यूज्ड टू से हिज फादर्स प्लेड विद माय फादर, हिज फादर्स प्लेड विद मी, और अभी ये मेरे साथ बजा रहा है, तो चल अभी बजा के बता. क्या बात है, ब्रिलियंट. हां, पंचम दा यूज्ड टू बी लाइक अच्छा फन पर्सन. सो अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे रिदम गिटार्स है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में, तो 12 स्ट्रिंग कैसे यूज होती थी और सब हम लोग आस्ते आस्ते हर पार्ट में बताते रहेंगे ऐसे. तो रिदम गिटार्स का हम लोग जैसे आप देखिए, जैसे एक एक जैसे बता दो, जैसे अब आप ये देखिए, ये कैन यू मेक आउट, एक मैं और एक तू, तो मिले इस तरह, एक मैं और तो मिले. दिस प्लेइंग, दिस स्टाइलिंग इज कॉल्ड रिदम गिटार प्लेइंग, यू नो अकोस्टिक गिटार, एंड अकोस्टिक गिटार यूज होती है क्योंकि इंडियन रिदम के साथ बहुत अच्छा मैच होता है ना. अब हमारा पैटर्न सब जगह सेट होता है, सो हम लोग का पैटर्न्स ऐसे बनते थे पंचम दा के गाने के, रिदम के पैटर्न ही ऐसे होते थे कि मजा आता था बजाने. हम लोग पूरा पार्ट्स लिख लेते थे, कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे, और यहाँ पे पिकअप है, यू नो वैसे. तो ये एक स्टाइलिंग हो गया, मतलब एक रिदम का है. अभी देखिए जैसे ये जो गाना था नी सुल्ताना रे, ना सी प्यार का मौसम, प्यार का मौसम का सी द गिटारिंग इन कम, आई जस्ट प्ले अच्छा. अब ये जैसे बीच में स्टार्टिंग में आलाप आया लता जी का और रवि साहब का, उसके बाद में जैसे हमें वो इट स्टार्टेड लाइक दिस, लाइक एंड देन द म्यूजिक पीस कम्स. सो इट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रिदम, रिदम गिटार, अकोस्टिक गिटार. अब इसके आगे अच्छा राजू जी, मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगा कि पंचम दा की जीनियस देखो, उनको फ्यूजन का बहुत शौक था. तो इसी गाने में जैसे ये प्रोग्रेशन होता है, आगे चल के सडनली देयर इज अ पहाड़ी आला, हाँ, बीहू और बीहू रिदम की बीट शुरू होते हैं, और इतना ब्यूटीफुल इट इज
एक जिसको बोलते हैं इंटीग्रेट किया गया है कि जहां गिटार बजता है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट और बिहू रिदम के साथ उसको ब्लेंड किया है। इसके आगे जो आता है और वही बिहू रिदम टक टक डिंग डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक वही वो होता है। अभी जैसे आप ये रिदम गाइए, देखिए इसके साथ हम लोग गिटार पैटर्न कैसे बजाते हैं। 3 4 अभी देखिए इन्होंने क्या है, ओके तो सम टाइम्स हम लोग पैटर्न अपना क्या करते हैं धिद पे नहीं रखते, सो अब धिद तक गाइए। दिस कुड बी अ पैटर्न, किसी जगह पे ऐसा पैटर्न कर लेते, किसी पे हम लोग वापस 1 2 3 4। So much of fun creating उनके रिदम के साथ में रिदम पैटर्न्स ऑफ गिटार्स, और आप कभी भी सुनेंगे तो क्लियरली उनके हर गाने में रिदम गिटार्स वो सब सुनाई देती है ना। देन देयर वाज अनदर फॉर्म ऑफ, अब ये इसी में कितने गाने में जैसे been so lucky कि चेतन जी मुझे 1942 love story सब गानों में बजाने का चांस मिला है उस टाइम, because I was playing the last 8 years. So अभी जैसे which was the लता जी वाला गाना ये कुछ ना कहो जो words का rhythm है, सुना था ना कुछ ना कहो words में। अभी जब हमने पहली बार जब गाना था तो हमने आर्पेजियोस जैसे जो है आर्पेजियोस आर दीज द सेम कॉर्ड्स, वाह ये देन आगे जाके जब होता है तो जैसे दिस इज अगेन रिदम पे आ गए, तो आर्पेजियोस जो बिगनिंग में है ना, तो अभी जैसे एक बार आप भी गाइए कुछ ना कहो आगे जब वापस आता कुछ ना कहा ना ना रिदम फॉर्म आ गया ट्रम्प कार्ड छोड़ के गए कितने गाने हैं जो जहाँ पे गिटार
यूज होती थी एंड स्ट्रोक फॉर्म में, मतलब संतूर भी बज रहा है, सरोद भी बज रही है, समथिंग. अभी जैसे मैं याद है गिटार के सोलो होता था, या इट कुड बी सोलो और इट कुड बी विद स्ट्रोक्स. तो जैसे वो गाना है क्या यही प्यार है ना, तो उसमें जैसे कभी कभी सिर्फ गिटार पे, कहीं कहीं पे विद स्ट्रोक्स है. हम इवन 1942 में कितने जगह पे हम लोग सरोद संतूर और गिटार को मिक्स करते थे. तो गिटार हम लो बजाते थे, यू नो, जैसे कुछ भी, सपोजिंग इट्स अ पीस है, तो सरोद एंड सितार सब. उसमें 1942 में जैसे सितार बज रही है, दो इंस्ट्रूमेंट संतूर और गिटार का कॉम्बिनेशन है वो सब, तो दैट्स दिस ग्रेसिंग. हम एक साउंड क्रिएट होता था, हम लोग ऑक्टेव्स डिसाइड कर लेते थे कैसे, एंड मनोरीदा, बबलूदा, बासुदा, इन सब के साथ काम करने से उनकी राइटिंग ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग वाज जस्ट लकी इनफ टू बी इन दैट फिल्म सेंटर हॉल एंड फील द साउंड ऑफ आरडी बर्मन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग. आप भी वो क्या माहौल था ना फिल्म सेंटर का, माहौल था, बिकॉज़ आई यूज्ड टू गो टू फिल्म सेंटर जहां जब रिहर्सल शुरू होती थी, यू नो, 8:30-9 बजे, एंड देन बाबलूदा एंड यू नो ये बासुदा, मनोहरी, मारुति सब होते, देन पंचमदा यूज्ड टू मेक हिज एंट्री, मतलब रॉयल एंट्री. और वो यू नो उनकी एक आदत थी, यू नो, ही यूज्ड टू वॉक, यू नो, एक लाइक अ रॉयल प्रिंस, जबकि ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, और ही इज टू वॉक वेरी स्लोली. वो वजह मुझे समझ में पहले नहीं आया कि ये स्लो मोशन में क्यों आ रहा है, तो बाद में पता चला कि ही हैड अ वेरी शार्प ईयर, कि कहाँ कुछ उठपटांग सुन लिया या तो कुछ अनयूजुअल सुन लिया, या यू नो वहां पर वो रोक लेता था, अरे तू क्या बजा रहा था, तो वो अचानक वो बोलते थे नहीं नहीं कंटिन्यू बजाओ बजाओ, तो फिर बोलता था कि ये आज के लिए नहीं, हम एक और गाना रिकॉर्ड करेंगे तब उसके लिए ये आप सेव कर दो. मेरे सामने ये बात हुई, वेरी अवेयर ऑफ क्या चल रहा है, कौन सा साउंड सुन रहे हैं, वेरी शार्प, शार्प मतलब फॉर साउंड्स, एंड ही हैड अ शार्प मेमोरी, एंड प्लस ही बिलीव्ड कि दैट यू नो शार्प साउंड से इमीडिएटली अटेंशन ड्रॉ होता है. करेक्ट, मतलब एक हुक लाइन हो, जैसे दम मारो दम का है, या चुरालिया का जो सोलो स्ट्रिंग्स है गिटार का, तो शार्प साउंड से इमीडिएटली आपका अटेंशन खींच लेता है. और हाईलाइट वो है कि उनकी जो गिटार की नोटेशन, वो जो स्ट्रिंग्स का ये होता था, प्लेइंग होता था, उसमें एक रिकॉल वैल्यू होती है. जैसे कि आज उसमें से कोई भी गाना बजने शुरू होता है, पीपल विल जस्ट, एक चार नोट्स बज गए, लोग बोलेंगे ये गाना है. तो एक जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिशियंस, वो आर डी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हर एक गाने में जो ये म्यूजिशियंस बजाते हैं तो उसमें उन म्यूजिशियंस का सिग्नेचर होता है और मेरा ऑटोग्राफ होता है. देखिए कितनी बढ़िया बात है, जो मैंने मेरी किताब आरडी बर्मनिया में लिखी हुई है कि दैट यू नो दिस वाज हिज लुक, कि दैट अरे ये चीज तो आप, सॉरी आई एम सॉरी आई डिडंट शेयर, चैतन्य जी हैज रिटन अ होल बुक ऑन पंचमदा, इट्स कॉल्ड आरडी बर्मनिया. And it's got some brilliant things. I mean, share किया उन्होंने इन जो पंचमदा के साथ में, पंचमदा का उस time पे कौन सी picture का क्या कैसे, lovely photographs, है ना, of those times. सबसे बड़ी बात है कि वो मेरी किताब जो है आर डी बर्मनिया मेमोर्स, उसका इंट्रोडक्शन अमिताभ बच्चन, संजय लीला भंसाली और फर्स्ट चैप्टर लता मंगेशकर ने लिखा है. ए आर रहमान ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, राजेश खन्ना, जीना तमान, और एक आपको बता दूं कि राजू सिंह सर ने भी ही उनका एक ट्रिब्यूट चैप्टर लिखा है, जिसमें उन्होंने एक खास बात शेयर की जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3D शोले में आप सबको जरूर पता होगा कि राजू सिंह हैज डन द म्यूजिक, ही हैज रिक्रिएटेड द म्यूजिक, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज. और मुझे अभी भी याद है कि इट द मूवी 3D शोले वाज टू बी रिलीज्ड समटाइम इन अक्टूबर ओरिजिनली, यस, तो अक्टूबर में रिलीज कुछ वजह से वो पोस्टपोन, मतलब रीशेड्यूल हो गया, और आखिरकार
वो रिलीज जनवरी में हुआ पंचम दा के एनिवर्सरी के एक दिन पहले जनवरी थर्ड एंड दैट डे वी मेट एट पंचम दास मैरीलैंड. हम लोग मैरीलैंड गए थे पंचम दा के घर पे टू ऑफर ट्रिब्यूट्स एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स. तो आप देखिए कि जबकि इनके अक्टूबर में ओरिजिनली शेड्यूल थी वो कट टू डायरेक्ट जनवरी थर्ड को रिलीज होने का फाइनल होता है जो कि पंचम दा की एनिवर्सरी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर से पंचम दा ने रिमोट कंट्रोल किया और उनको ब्लेसिंग्स दे दिया. तो ये देखिए ये तो मतलब दिस इज समथिंग यू नो वेरी मतलब एक अद्भुत है. जैसे पंचम खुद अद्भुत माना जाता है तो दिस इज समथिंग वेरी इनक्रेडिबल बिलीव इट और नॉट जैसे होता है ना मानो या ना मानो. अब आप मुझे बताइए हम लोग जैसे बात कर रहे हैं हम लोग फाइव नंबर कैसे पंचम दा के उसमें आ रहा था. तो आप बताइए राहुल का कैसे. हाँ मैं हमेशा जैसे आजकल हम साथ में मोबाइल फोन लेके जाते थे उस जमाने में पंचम दा के जमाने में तो मोबाइल फोन्स थे नहीं. हमेशा उनके हाथ में स्टेट एक्सप्रेस 555 की सिगरेट के पैक होती थी. तो एक बार मैंने ऐसे मतलब मेरी उनके साथ बहुत अच्छी मतलब एक रैपो बॉन्डिंग थी. तो पंचम दा ये आप ये 555 का बॉक्स सिगरेट पैक लेके जा रहे हैं. तो उन्होंने मेरे तरफ वापस रखा बोले आपने नोट नहीं किया. बोले क्या दादा इसमें 555 है मतलब ट्रिपल पंचम है. तो मैंने कहा तो मैंने कहा अरे दादा हाँ ये तो मेरे मतलब मुझे नाम याद था लेकिन आपके कहने से मेरा दोबारा उस पर ध्यान गया. और फिर उन्होंने मुझे उनका जो गाड़ी का नंबर था 1139 BMC 1139 इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. इसके बारे में हाँ आप हाँ तो इसका थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ना. तो अगले बार अगले एपिसोड में हम जरूर शेयर करेंगे. तो यू ट्यून इन टू आवर नेक्स्ट एपिसोड. चीयर्स.